हुई है। छानबीन में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का अभी तक का फ्रॉड समझ में आया है। अब यह देखो चाचा मौसी, किसान लोग सब जने सावधान हो जाओ, ये 2.5 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ। चाचा तनिक सावधान रहो, गांव के लोगों का बताई दी थन कि देखो भैया बैंक जब हो जाओ बैंक मैनेजर पर भरोसा ना करो, बताई दी थन तुमसे ना जाने कहां कहां दस्तखत कराए हैं, साइन कराए हैं, फिर तुम्हारे नाम पर लोन ले हैं, पैसा निकाल ले हैं। तुमका लगे कि बैंक मैनेजर तो बड़ा नीक आदमी है और तुमका बहिला फुसला करके तुम्हारे नाम पर पैसा निकाल ले हैं, तुम्हारा लोन चला करी तुमका पता होने चली, तुम लूट जी हो, बर्बाद हो जी हो, आंसू भाई हो, तुम्हारे समझे हम ना आई है, फिर जी हो जा करके अप्लीकेशन देहो। उसके बाद पुलिस खुलासा करी है। अब मामला बाराबंकी जिले के जयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर देखो भैया पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। सुरेश होइगुआ, अमन होइगुआ और शैलेंद्र होइगुआ, तीनों का धर दबोचा हुआ है। ये तीनों यही किया करता है, लोगों का बहलाया फुसलाए लेकर क्या होता है बैंक भैया, उनसे साइन करा लिया था, उनके नाम पर लोन निकाल लिया था और भैया उन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है जी के नाम पर भैया दस्तखत हुआ था। सुनो कहा बता रहे साहब, बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और कई और लोग ई गिरोह में शामिल है। देखिए जयपुर थाने में कुछ लोग शिकायत लेके पहुंचे कि हमारे यहाँ लोन शो हो रहा है जबकि हमने कोई लोन लिया नहीं। इस पर थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी ने जांच जब शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इसमें एक फ्रॉड अभियोग पंजीकृत किए जाते हैं, 4 अभियोग, और उस विवेचना के क्रम में छानबीन करते हुए यहाँ तक पहुँचा जाता है कि बरौली मलिक में बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, वहाँ पर जो मैनेजर के रूप में कार्यरत पूर्व में रहे हैं अमन वर्मा हैं, इनके द्वारा लगभग 60 लोन मुद्रा लोन के रूप में दिया गया है, जिसमें कुछ रेगुलर लोन है और कुछ टर्म लोन दिया गया है। इन दोनों स्कीमों के तहत एक सुरेश रावत नामक प्राणी है। अब ये सुरेश नाम का प्राणी बहुत खतरनाक है, लखनऊ के गोसाईगंज का रहने वाला है, बाराबंकी आता है भैया, पूरी प्लानिंग बनाता है और अपने टीम में शैलेंद्र को और इसका क्या नाम भैया अमन को शामिल कर लेता है। और उसके बाद तनिक सुनो, अखिलेश नारायण जी एक एक चीज की कायदे जानकारी दे रहे थे। जो गोसाईगंज का रहने वाला है वो लखनऊ से यहाँ पर आकर ऋण से मिलता है, जो पूर्व में इनको एक शैलेंद्र नाम का कर्मचारी है इसी बैंक की शाखा में, जहाँ से परिचय में लोग आते हैं और उनके माध्यम से सारा लेन देन किया जाता है। जो किसान हैं जिनको लोन की ज़रूरत है उनको बरगला के लाया जाता है बिना सारे तथ्यों को बताए हुए, एक साथ उनसे सारे फार्म भरवाए जाते हैं, उनको ये नहीं बताया जाता है क्या भरा गया है। कम पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे लोग जो नहीं समझ पाते चीज़ों को, उनको ज़्यादातर लाया गया है और वहीं पर विड्राल फार्म वगैरह भी भरवा लिया जाता है एक ही साथ, और फिर इसके बाद उस पैसे को निकाल लिया जाता है, ये लोग आपस में उसके लाभार्थी रहे हैं। इसमें एक दो नाम और प्रकाश में आए हैं, उनके लिए हमारी टीमें गई हुई हैं, लेकिन अभी तक की छानबीन में तत्कालीन बैंक मैनेजर अमन वर्मा, सुरेश रावत और शैलेंद्र जो बैंक का एक महिला कर्मचारी है, ये तीनों लोगों की पूरी संलिप्तता पाई गई है। इसमें लगभग अभी तक की जो छानबीन हुई है, छानबीन में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का अभी तक का फ्रॉड समझ में आया है। इसकी छानबीन आगे भी चलेगी, देखा जाएगा ये किस किस ब्रांच में और पहले रहे हैं या इनके कनेक्शन और कहाँ कहाँ पर हैं, चाहे वो सुरेश रावत हों, चाहे शैलेंद्र हों, चाहे अमन वर्मा हों, उन जगहों पर भी हमारी विवेचना चलेगी और जो लोग और भी सामने आएंगे जिनके साथ इस तरह का धोखाधड़ी हुआ है, संज्ञान लेते हुए आवश्यक विधि कार्रवाई की जाए। अब चाची मौसी सुनो साहब का बताएं, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो तुरंत जाइए, जाकर के एप्लीकेशन दे दीजिए, पुलिस आपके साथ है भैया और आपके लिए भैया देखो अभियुक्त को धर दबोचेगी। बाकी भैया इन बातों की पुष्टि बिल्कुल नहीं करी थाना, आपकी कार अकाउंट कीजिएगा, आप देख सकते हो कि थाना प्रभारी भैया जयपुर के बेचारे अनिल कुमार जी भी लगे रहे, उनके सब भैया देख सकते हो सतीश हो रहा है, तेज बहादुर हो रहा है, उमेश हो रहा है, और यू देखो हेड कांस्टेबल सुरेंद्र हो रहा है, और यू देखो वैसंद राम हो रहा है, महेश हो रहा है, अखिलेश हो रहा है, गुफरान भी रहा भैया, कांस्टेबल रोहित भी था, सुमित भी थे, बहुत लोग उपस्थित रहे। बाकी वीडियो शेयर डालू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैसेज को सुन लीजिए, दबा दबा के और आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो या ना लगी हो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।